हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपली रिव्यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CBSE 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की बात चल रही है। अब जो CBSE के एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले थे 1 जुलाई से, वो कैंसिल होने की बात चल रही है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। सबसे पहले मैं आपको ले वो न्यूज़ बता देता हूँ किसने रिक्वेस्ट की है शिक्षा मंत्री से, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये बोर्ड एग्ज़ाम सही में कैंसिल हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हेडलाइन देख सकते हो, CBSE 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम 2020, मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री से कहा रद्द करें CBSE की शेष परीक्षाएं, जो भी परीक्षाएं इनकी बची हुई है उसको कैंसिल किया जाए, उन्होंने रिक्वेस्ट की है HRD मिनिस्टर से। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने सब से 1 जुलाई से शुरू होने वाली CBSE की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने के अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट, जो कि उनके इंटरनल नंबर होते हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं, उनके आधार पर उन्हें पास किया जाए। और सिसोदिया ने इससे पहले भी HRD मिनिस्टर से इस तरह की मांग कर चुके हैं। 28 अप्रैल को HRD मिनिस्टर के साथ उनकी शिक्षा में वर्चुअल बैठक के दौरान सिसोदिया ने कोरोना वायरस के चलते उनकी शेष परीक्षाएं जो बची हुई है उनको कैंसिल करके उनके एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन हालांकि 8 मई को मंत्रालय ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 10वीं और 12वीं के 29 विषय के एग्जाम अभी बाकी है, उन्हें कराने का फैसला लिया है। पोखरिया को लिखे गए पत्र में सिसोदिया ने कहा है कि मैं आपका ध्यान जुलाई में CBSE 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो होने वाले हैं उनको कैंसिल कराने की मांग कर रहा हूं, क्योंकि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला आते जा रहा है, उस हिसाब से अगर परीक्षा होती है तो ये डेंजरस हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, अभी जो देश में स्थिति है वो कोरोना वायरस की 380,000 पार कर चुकी है, और आने वाले समय में ये और भी 5 लाख तक जा सकता है, ऐसा इसी रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5.5 लाख तक पहुँच सकती है, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सेंटर बोर्ड के एग्ज़ाम है, मतलब ऑल इंडिया में एक ही टाइम पे पेपर होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, UP गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा, ये सभी के एग्ज़ाम है, वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन CBSE के एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल इंडिया में एक ही टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, तो ये डेंजरस हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हर स्टेट की सिचुएशन अलग अलग है, कुछ की ख़राब है और कुछ की सिचुएशन थोड़ी सही है। मिलते हैं।